वेलकम बैक टू मज़ेदार किचन। आज हम देखेंगे हैदराबादी तला हुआ गोश्त। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मज़ेदार किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तले हुए गोश्त की रेसिपी हैदराबादी स्टाइल में। तो तला हुआ गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम गोश्त को प्रेशर कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर कुकर में मैंने तकरीबन 400 ग्राम गोश्त ले लिया है। गोश्त में अब हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर स्लाइस की हुई तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले रही हूँ मैं। प्याज आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही सूखा तला हुआ गोश्त चाहिए तो आप प्याज थोड़ी कम ही डालें। थोड़ा मसाला ज़्यादा चाहिए तो आप प्याज इतनी डालें या इससे थोड़ा ज़्यादा। फिर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दें, और हल्दी के बाद हम तकरीबन 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और नमक ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा ही ऐड करें, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने पानी ऐड नहीं किया है अभी। गोश्त का भी पानी छूटेगा, और गोश्त को जो हमने धोया है उसका भी थोड़ा बहुत पानी है। अगर आपको लगता है कि पानी डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं। कुकर को अब ढक्कन लगा देंगे और इसे प्रेशर कुकर लेंगे। गोश्त को हमने पूरा नहीं गलाना है, तकरीबन 80 या 85% गला लें आप, वरना गोश्त को जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। गोश्त को प्रेशर कुक कर लेने के बाद कुकर का प्रेशर जब कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा तब हम कुकर को खोलेंगे, और आप देख सकते हैं कि कितना पानी गोश्त का छूटा है। अब आप चेक कर लें कि गोश्त कितना गला है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि गोश्त को कम्प्लीटली नहीं गलाना है, 80 to 85% गला लें आप। अगर आप बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो जो फ्राई करेंगे हम गोश्त को तो उस दौरान वो टूट सकता है। और अब देखिए स्पून की बैक साइड से आप इस तरह से चलाते रहें ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। और ये जो गोश्त का देखिए सूप है, आप इसे अलग से निकाल कर रख सकती हैं, और सूप यखनी की तरह यूज़ कर सकती है, या फिर गोश्त के साथ चलाते हुए उसे कम्प्लीटली ड्राई कर लें। और यहाँ पर देखिए मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ नहीं किया है। गोश्त को जब हम फ्राई करेंगे तब ऐड करेंगे। और गैस की फ्लेम को आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा करती रहें। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो गोश्त और उसका मसाला है नीचे नहीं लगना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा गोश्त है, तला हुआ गोश्त जो हम बना रहे हैं, वो इस तरह से हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो गोश्त को तलने के लिए यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन में तकरीबन 75 ml यानी कि 75 ml ऑयल ले लिया है। अगर आप नॉनस्टिक पैन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो ऑयल की क्वांटिटी है उसे थोड़ा बढ़ा दें। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे। तो देखिए गोश्त ऐड करने के बाद यहाँ पर तो मैं हाई फ्लेम पर ही इस तरह से चलाते हुए गोश्त को फ्राई कर रही हूँ। आप आपके हिसाब से गैस की फ्लेम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि जो गोश्त है और उसका मसाला है किसी भी पॉइंट पर नीचे लगना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से आप चलाते हुए गोश्त को तलें। और इस पॉइंट पर अब हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तो तकरीबन 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, आप आपके टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करते हुए आप गैस की फ्लेम को लो कर दें, कम कर दें। साथ ही नमक भी आप एडजस्ट कर लें। यहाँ पर मैं थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ, आप आपके टेस्ट के मुताबिक ऐड करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है, और हाई फ्लेम पर ही देखिए इस तरह से चलाते हुए हम गोश्त को फ्राई करेंगे। अगर आपको लगता है कि गोश्त नीचे लग रहा है तो आप गैस की फ्लेम को लो कर सकती हैं। गोश्त देखिए ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रख कर ही आप ये सब ऐड करें। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है मैंने, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर ही मिक्स करें आप। और ये चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने अब गोश्त को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेमन जूस ऐड नहीं किया है। अगर ये जो हरा मसाला मैंने ऐड किया है, हरे मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, इनमें से अगर कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दें, स्किप कर दें। और ये हरा मसाला ऐड करने के बाद हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ी देर ही लो फ्लेम पर पकाने के बाद गैस बंद कर देंगे। और देखिए ये जो हैदराबादी स्टाइल का तला हुआ गोश्त है वो बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करिए, और कमेंट कर कर बताइए कि हैदराबादी तला हुआ गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे बने हुए लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें।
इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मज़ेदार किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक मज़ेदार खाएं, खुश रहें, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।